What is up everyone, this is Nosh and welcome to another video. I'm sure you guys missed me, I missed you too. So काफी मैंने wait करवा दिया and shared के यार मैंने you know नया gaming PC लिया था and in case you guys didn't know मैंने नया gaming PC लिया काफी time हो गया, दो हफ्ते almost होने लगे हैं. I've been lazy, just not motivated enough to make videos. लेकिन यार बनानी तो थी video, you know. मेरे last setup video जो PC पे थी, I admit काफी शोखियां मारी थी, but वो सब मजाक में था यार, मजाक की हदूद में रह के I didn't know के लोगों की इतनी सड़ जाएगी यार वो देख के, but whatever. तो बहुत तो क्या वेट, यू गाइस हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने नया गेमिंग पीसी क्यों लिया है एंड मैंने एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड क्यों लिया है व्हेन आई हैड 2070 सुपर बिफोर, वो सब भी आंसर एंड क्लियर अप मैं कर दूंगा. नाउ लेट्स गेट ऑन विद दिस सेटअप. अच्छा जी, नाउ ऑन टू द स्पेक्स ऑफ दिस पीसी. अब सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगा कि ये पीसी कम्प्लीटली एंड लाइक कम्प्लीटली सेपरेट पीसी है फ्रॉम द प्रीवियस वन जो मैंने पहले पीसी सेटअप वीडियो बनाई थी एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली यार आई मीन व्हाई वुड आई बाय अ न्यू केसिंग, ठीक है. पहले कॉर्सेयर की केसिंग थी, अब थर्मलटेक की है. रीज़न इज़ वो जो पी सी था, मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आई डोंट नो लोगों ने क्यों नहीं गौर से सुना. येस आई डिक्लेयर डैट पी सी इज़ माइन बिकॉज आई कुड यूज़ इट, बट वो मेरा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई का है. एनी सारा मैंने इंडिपेंडेंटली विद माई मनी लिया है, बनाया है, ठीक है. हाउ डिड आई मेक दैट मच मनी वो मैं बता दूंगा. बजट कितना है, एवरी थिंग, स्पेक्स वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे, बट अदरवाइज मैं आपको भी सारे एक्सप्लेन करूँगा एंड मैं ये भी बताऊँगा कि क्यों मैंने ये ही स्पेक्स चूज़ किए हैं. Alright, so इसके स्पेक्स सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. इस पिक्चर में these are all the PC parts I got. The overall budget was 180K. लेकिन अगर आप अभी मार्केट में जाएंगे and in case you're Indian and you don't know that I'm Pakistani, तो मैं ये पाकिस्तान के रेट्स बता रहा हूँ. अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये अराउंड 2 लाख का पड़ जाएगा. मैं किस तरह मैंने कॉस्ट कट की 180 तक, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सीन क्या है, मैंने सारे पार्ट्स पिंडी से लिए. वैसे आई लिव इन इस्लामाबाद इन केस यू डिडंट नो, लेकिन ऑनेस्टली ज्यादा बेहतर रेट्स एंड पार्ट्स पिंडी में मिलते हैं, ठीक है. मेन मसला था जीपीयू एंड व्हाई डिड आई गो फॉर एएमडी. आप में से जो भी एनवीडिया का लवर एंड फैन है ना, जिसे एएमडी से नफरत है, या कोई कसम खाई है कि कभी भी वो ट्राई नहीं करेंगे, टेंशन ना लें. मैं भी बिल्कुल आप जैसा था एंड मैं बहुत बड़ा पागल था एंड अब मैंने आखिरकार अपनी आंखें अपना दिमाग खोल दिया एंड मेरे भाई ने जो खुद एनवीडिया का फैन है, जिसका 2070 सुपर कार्ड है, उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आई गो फॉर एएमडी. व्हाई? बिकॉज देखो एनवीडिया के जो सबसे बेस्ट कार्ड्स हैं, मैं मानता हूँ, आर बेटर देन एएमडी, ऑलवेज हैव बीन, प्रोबेबली ऑलवेज विल बी, परहैप्स. लेट्स सी अक्टूबर में वो अपने नए कार्ड्स क्या दिखाते हैं. लेकिन सीन क्या है कि अगर आप मिड टीयर कार्ड्स टू इवन समवट हाई टीयर, नॉट टॉप ऑफ द लाइन बट हाई टीयर, उन कार्ड्स में आ जाएं, तो एएमडी लिटरली बीट्स एनवीडिया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सबूत चाहिए तो आप ये बेंचमार्क्स देख सकते हैं. मेरा जो कार्ड है 5600 XT, ये RTX 2060 के लेवल का कार्ड है. बस उसमें सिर्फ रे ट्रेसिंग है, दैट्स इट्स ओनली एज, बट अदरवाइज मैनी गेम्स में FPS, परफॉर्मेंस विद रेजोल्यूशन, मेरे कार्ड AMD 5600 XT का ज़्यादा बेहतर है. बिलीव इट और नॉट, इट्स एक्चुअली ट्रू. बाकी आ जाते हैं बजट कार्ड 1660 NVIDIA का, 1660 Ti, सुपर, वट एवर, उनसे तो लिटरली अच्छा खासा 2 गुना बेहतर है मेरा कार्ड. और पुराने जो कार्ड हैं 10 सीरीज के NVIDIA, वो तो अब वैसे ही ब्रांड न्यू मिलते नहीं है. 1070, 1060, इवन 1080, उनसे मेरा कार्ड बेहतर है. वेल नॉट 1080, लेकिन 1080 पुराना कार्ड हो चुका है. येस इट वॉज अ वेरी पावरफुल कार्ड इन इट्स टाइम, द बेस्ट वन, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है, उसकी वैल्यू लिटरली गिर चुकी है सीरियसली, एंड वो नया वैसे भी नहीं मिलता, तो या वो खरीदने का भी फायदा नहीं है. अब बात करते हैं प्राइस की. मुझे ये ग्राफिक्स कार्ड AMD 5600 XT पड़ा है 57,000 का. अब आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपको प्राइसेस के बारे में पता है आजकल की, 57,000 पाकिस्तानी रुपए में बता रहा हूँ, का ये कार्ड नहीं हो सकता. इट्स एटलीस्ट 70,000, जिसकी वजह से पीपल प्रेफर 1660 और 1660 Ti,
वगैरह वगैरह यू नो, क्योंकि बस एनवीडिया के एक तो दीवाने भी लोग हैं, बायस्ड हैं उसकी तरफ, दूसरा वो सस्ता पड़ता है। अब मेरी बात सुने, ये कार्ड सिर्फ एट मैक्स 10,000 रुपये महंगे उन कार्ड से, या 15,000 रुपये असल में, अगर आप एक ठीक जगह से लें, जहाँ से मैंने लिया है। ये एक फेसबुक पेज है, ये एक स्टोर है, बट यू कैन ओनली बाय थ्रू फेसबुक, यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट देम थ्रू फेसबुक। सूफी टेक स्टोर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इन्हें मैंने इन एडवांस पे किया, इनसे मैंने ऑर्डर कराया ऑन डिमांड कार्ड, ठीक है, एंड इनने लिटरली 12,000 मार्केट प्राइस से सस्ता मुझे ये कार्ड लेकर दिया, जो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था, 5600 XT, ठीक है। तो ये लाइक बहुत बेहतर डील है देन गोइंग फॉर एनवीडिया कार्ड लाइक 1660 जो भी है, अनलेस आप 2080 Ti या 2070 सुपर ले रहे हैं, जिसका अब कोई फायदा नहीं है, यू नो, बिकॉज ऑफ 30 जनरेशन जो आ रही है, 3070 एंड 3080, यू नो, दे हैव लिटरली स्टॉम्प्ड, तबाह कर दिया है, बेकार कर दिया 2070 सुपर एंड 2080 Ti को, क्योंकि उसी प्राइस में एंड 2-3 गुना बेहतर परफॉर्मेंस, ठीक है। 3070 3080 में ले नहीं सकता बिकॉज दे आर स्टिल वेरी डैम एक्सपेंसिव। कार्ड लेने की सिर्फ बात नहीं होती, आप में से कुछ लोगों की गलत फहमी कि कार्ड ले लो पीसी बेहतर हो गया, भाई उसके साथ साथ प्रॉपर प्रोसेसर, प्रॉपर पावर सप्लाई, प्रॉपर मदरबोर्ड, ये सब कुछ भी उसके मुताबिक लेना होता है। अगर वो वीक हुआ एंड GPU आपके ग्राफिक्स कार्ड स्ट्रांग हुआ तो ओवरहीट होने के चांसेस हैं, परफॉर्मेंस का फायदा नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड लेने का फायदा ही नहीं है। तो मैं अगर ₹1,00,000 समथिंग, लाख से थोड़ा कम पड़ जाएगा आई गेस, 3070 लेता भी हूँ तो मुझे उसके साथ फिर बाद में मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना होगा, प्रोसेसर भी अपग्रेड करना होगा, Ryzen 5 वोंट बी स्ट्रॉन्ग इनफ आई बिलीव, तो उसमें मजीद ₹1,00,000 नहीं, ऑलमोस्ट ₹2,00,000 के करीब खर्चा हो जाएगा, उसका फायदा नहीं। PC मुझे चाहिए था, PS5 मेरा भाई ले लेगा, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, PS5 वरना मैं ले लेता, ठीक है, उसकी प्राइस रिवील हो चुकी है, जो सबसे सस्ते वाला है इट्स $400, जो इस PC से सस्ता ही है। लेकिन बात यह है, नीडेड अ PC, आई वीडियो एडिट, आई डू अदर स्टाफ, वो PlayStation 5 पे नहीं हो सकता। एंड वैसे भी PC ओवरऑल इज जस्ट हाई टीयर, ठीक है, फायदा है PC रखने का, जनरल पर्पज थिंग है, इट्स नॉट जस्ट फॉर गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग में गोली स्पीड है इसकी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि जो मेरा सेटअप है, दिस इज नॉट अ बजट सेटअप, ठीक है, 1,80,000 पड़े हैं मुझे। मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास 2080 Ti है या 2070 सुपर, आप बिल्कुल भी सैड ना हो, क्योंकि अभी भाई गेम्स आई नहीं है, अभी 3070 3080 लेने की जरूरत कोई है नहीं, एक्सेप्ट शोइंग ऑफ, क्योंकि उन औकात की अभी तक गेम्स ही नहीं आई, फायदा ही नहीं है, गेम्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सारी अच्छी खासी चल जाएंगी इवन ऑन दिस ग्राफिक्स कार्ड, 60 FPS 1080p ईजी। ये गेम नेक्स्ट जनरेशन में 2-3 सालों तक जो गेम्स आती हैं आराम से 1080p रेजोल्यूशन में, ये सॉरी सेटअप 60 FPS 1080p में चला लेगा, और क्या चाहिए यार, PlayStation 4 के पास तो ये भी नहीं था। अब इफ यू वांट टू नो हाउ आई क्या कहते हैं मेड मनी टू बाय दिस PC, दैट्स अ वेरी फन स्टोरी। द स्टोरी इज एक्चुअली के मेरा जो कजन है, आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी है, ही गॉट मी सम स्टफ, यू नो, एनिमे रिलेटेड, सम व्हाट गेमिंग स्टफ, सोनिक स्टैचू, ऑल दैट, जो वो पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ये ऊपर दिस फिगरीन, आई ऑल्सो रियली लव इट, मीका साका फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन, माय फेवरेट एनिमे, ही गॉट मी ऑल दिस स्टफ, यू नो, एंड मैंने ये बताया नहीं कि एक्चुअली ये काफी महंगी चीजें एंड और भी हैं, वो दिखा नहीं रहा, ठीक है, दिस कैप एंड एवरीथिंग टू, ये सारी मेरे पैसों की चीजें हैं, ठीक है, लाइक ही डिडंट पे फॉर देम, यार इतना अच्छा कोई नहीं होता, इतना कुछ लेकर आए होते हैं, लेकिन You know what I mean, सही है। हुआ क्या है कि आई यूज टू प्ले दिस गेम, जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज मेरी मर्जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों का फ़ायदा नहीं चाहता, ना आप लोगों से छुपाना चाहता हूँ और समथिंग, आप लोगों को बता भी दूँ आप लोग नहीं कुछ कर पाओगे, बिकॉज दैट गेम ऑल्सो रिक्वायर स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, टाइम, ऑल दैट शिट, ठीक है। बच्चों वाली ये गेम थी, अगर आपको क्लब पेंगुइन का पता है, इट्स नॉट क्लब पेंगुइन बट उसे थोड़ी सिमिलर गेम, उसमें ट्रेडिंग एंड स्टफ भी होता था, यू कैन ट्रेड आइटम्स एंड ऑल दैट, ठीक है। नीश गेम है काफ़ी, लाइक वेरी स्पेसिफिक फ्यू पीपल प्ले इट, ठीक है, अभी भी, वरना काफ़ी डेड हुई है लेकिन पीपल स्टिल प्ले। अब मैं वो बहुत पहले खेलता था, बच्चों वाली गेम है, मैंने पहले छोड़ दी, ठीक है, एंड मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलता था, ठीक है, हम ना उस पर बहुत रेयर हो गए, लाइक वेरी वेरी फ्रिकिंग रेयर, एंड देन वी काइंड ऑफ स्टार्ट प्लेइंग। लेकिन मेरा दोस्त मुझे हमेशा से बताता था, यार हम ये गेयर आइटम्स बेच देना, हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं लाखों में, ठीक है, एंड देन वी कुड डिवाइड द मनी, बट उसे ये नहीं पता था कि हाउ टू रिसीव ऑल दैट मनी, क्योंकि आपको पता होगा कि बाहर से पैसे लेकर आना पाकिस्तान बहुत कीड़े होते हैं, ठीक है, बहुत टैक्स एंड शिट लगते हैं, कोई और मसले होते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, बैंक पैसे रोक लेता है एंड फिर उसे ट्रस्ट भी करना एंड ऑल दैट, यू नो। लेकिन लकली एज आई सेड माई ऑस्ट्रेलियन कजन, दैट्स वेयर ही कम्स इन, हिज नेम इज अली बाय द वे, एंड आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू हिम। वो था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उसका PayPal अकाउंट बनवाया, मैंने PayPal पे सारे पैसे सेंड कराए एंड उन्हें आइटम्स दे देता था, वो PayPal पे सेंड करते रहते थे बड़ी खपती। पहले तो PayPal got suspicious कि ये इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से, ठीक है, ऑल दैट शिट, वी नीडेड टू वेरीफाई दैट, ही नीडेड टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी। लेकिन जब पैसे आए, इवन माई कज़न वॉज शॉक, डूड तुम लोग ड्रग्स बेच रहे हो,
क्योंकि फिर पैसों की सेंस बनती है, ये कौन से पिक्सलेटेड आइटम्स के लिए $300 पर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली, लाइक एक ट्रांजैक्शन में $300 आ रहे हैं, ठीक है? ही इज लाइक व्हाट द हेल, इवन आई एम लाइक व्हाट द हेल, एंड माय फ्रेंड इज लाइक मैंने क्या कहा था। तो उस तरह फिर पैसे आए, फिर वो जब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया, ही ब्रॉट द कैश, कैश में लेकर आया, ठीक है, पेपैल से बाहर निकाल दिया। पेपैल बेसिकली इज लाइक ईजी पैसा यार, अगर आपको पता नहीं है, ईजी पैसा ने एक्चुअली पेपैल को कॉपी किया है। ईजी पैसा सिर्फ पाकिस्तान चलते हैं, पेपैल पूरी दुनिया में चलते हैं फॉर इंटरनेशनल परचेजेस, एक्सेप्ट हमारे गरीब मुल्क में जहाँ पे बस है नहीं। तभी वकार जका सलूट टू यू, पूरी जदोजहद कर रहे हैं, आई होप यू सक्सीड पेपैल लेकर आने के लिए, एंड या वी रियली नीड इट। लाइक इमेजिन मैंने इतने पैसे कमा लिए, अभी अगर पाकिस्तान में होता कितने लोग कमा सकते पैसे, ठीक है, एंड मेरे लिए भी काम आसान हो जाता। तो या फिर ही ब्रॉट इट इन कैश, वी कन्वर्टेड इट इनटू रुपीस, ठीक है, खास पैसे, थोड़े से पैसे भी कटे, एक तो बगैर पाकिस्तान कन्वर्जन फीस यू नो ऑल दैट, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कटे, वॉज इन अ लॉट। मैंने लिया पीसी एंड दिस स्टफ, ये तो ऑस्ट्रेलिया से ही वो लिया, एनएमए स्टफ एंड ऑल दैट, एंड मेरे फ्रेंड का शेयर मेरे पास ही है। तो या गुड शिट यार, लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो ये ही एक रीज़न है, आप में से लोग मुझसे पूछते हैं यार यूट्यूब क्यों छोड़ो, यार प्लीज़ यूट्यूब ना छोड़ो, ये पैसे कहाँ से आए, पार्टनरशिप्स आए होंगे, ज़रूर लगता है ऐसे यार, आप जिस तरह प्रमोट करो बड़े पैसे देता होगा, भाई कुछ भी नहीं मिलता था प्रेटी मच, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द पार्टनरशिप, सीरियसली आई डिडंट गेट शिट। मतलब बच्चों वाले पैसे यार, इतने अम्मी अबू दे देते हैं यार, मंथ का खर्चा जो नहीं होता वो वाला सीन था, एंड मैं इतनी उसके लिए प्रमोटिंग करूँ एंड ऑल दैट, मैंने कहा छोड़ो यार आई डोंट केयर। तो मेरा हमेशा से ख्वाब था विद यूट्यूब आई वुड गेट लाइक ऑल दिस स्टफ इंशाल्लाह वन डे, एंड देन आई विल कंटिन्यू यूट्यूब, मे बी मेक इट माई फुल टाइम करियर, बट नहीं यार ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। ये पेपैल वाला जो पूरा मेरा स्टंट था, इसने मेरा दिमाग खोला यार, भैंस की दुम, मैं क्या कह रहा हूँ यार, देर आर सो मैनी बेटर ऑप्शन टू मेक मनी, एंड वेल या ये काफ़ी टेम्परेरी था, आई माइट बी एबल टू डू इट अगेन वंस अगेन, सब कुछ आ जाएगा और क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन इवन सो वन शुड जस्ट फोकस ऑन स्किल्स, यू नो, जस्ट गेट अ जॉब मैन, दैट विल हेल्प यू मोर, स्टडी, फोकस ऑन स्टडीज, वो भी ये चीज़ सिखाती है, बट दूसरा पार्टी, मतलब देर आर सम अमेजिंग यूनिक इनोवेटिव वेज टू अर्न मनी, ये मैंने भी सीखा है, एंड देन ऑफ कोर्स जस्ट गेट अ जॉब, गॉड डैम इट, बट यूट्यूब इज इन द वे, एटलीस्ट नॉट फॉर एवरीवन, एंड जो लोग कमाते भी हैं, जो हमारे मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो भी काफ़ी धक्के खाते हैं, एंड उनकी मजबूरी है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई वो कर नहीं सकते, वो भी खुद उनसे पूछो, वो रेकमेंड नहीं करते कि आप यूट्यूबर बने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आई डिडंट बोर यू गाइज, एंड होपफुली ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल एंड अच्छी एंड फन लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में, जो आती रहेंगी मेरी अपनी पेस में, जब भी मेरा दिल करेगा, एंड जिस तरह की वीडियोज मुझे बनाना पसंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, अगर सेटअप पसंद आया, वीडियो पसंद आई, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @noshgaming, इधर कहीं आ रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।